स्टार्ट। वैसे नहीं सीधा हो जाना है। बकरी ये क्या है भाई? हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा कल जो है ना, मतलब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एक साइड जो है हम लोगों का वीडियो शूट हो रहा था और दूसरे साइड जो है सोनू भाई का ही, मतलब सोनाली भाभी का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। तो हम लोगों को जब पता चला कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, सीरियस का मतलब है कि उनको बार बार फीवर हो रहा था वो, तो उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के बाद से वहाँ पता चला कि उनको एक जो बीमारी यानी डेंगू का जो है वो बीमारी हो चुका है। और आप लोग को लग रहा होगा कि मच्छर की वजह से, तो मच्छर की वजह से तो पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ का पानी इतना बाढ़ आया हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। फिर भी हमको बोले कि आप अपना काम फिनिश करा लीजिए, तो हम लोग गए मिलने। उसके बाद से वो बोले कि वहाँ पे मेरा लड़का है लोग, मतलब ऐसा है जेन, मतलब सच बता रहे हैं कि काम के प्रति जो होता है ना, कि हम लोग भी सोच रहे थे कि जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन वही है कि लाइट नहीं था तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मैं कल 4 बजे सोया था, कल रात में भी 3 बजे सोया था, और उसके पहले वाले दिन लगातार जो है उस दिन तो सोए ही नहीं थे लोग। तो गाइस थोड़ा सा ब्लॉग में नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारा क्लिप जो है ना आ चुका है जो हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा डालें। बस इतना समझ लीजिए कि जो अभी सबसे बेस्ट पार्ट है वो हम डाल रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा भी आपको लग रहा होगा कि हाँ लड़का ये छोटा बच्चा, मतलब छोटा बच्चा तो नहीं, लेकिन हाँ अभी आप लोग के जो भी मतलब पहले से देख रहे हैं उस समय छोटे ही थे, छोटा भाई थे, और बस वक्त गुजर रहा है, हम अभी भी वही हैं। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, अभी मेहनत का टाइम है, और मुझे पता है कि आप लोग किसी का भी मेहनत पे पानी नहीं फेरने देंगे। और मैं बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि खूब सारा प्यार दीजिए अपने छोटे भाई समझ के। रंजना भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, हम लोग ही नहीं, सब लोग जितने भी कैमरा पर्सन हो गए, सब कोई का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि सोनाली भाभी जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि वो एडमिट हो चुकी हैं हॉस्पिटल में, और अभी भी आँख देख रहे हैं पूरा फुला हुआ है। तो सॉरी अगर वीडियो में थोड़ा बहुत ख़राबी होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा अपने छोटे भाई को। लव यू, जय माता दी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है थोड़ा सा हमारे भी एनर्जी में थोड़ा कमी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी 2 दिन से थकने के बाद से, तो इसके लिए मैं ब्लॉग में बस इतना ही बोलूँगा कि सॉरी अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है। अभी गाइज अभी एडिटिंग चल रहा है, आप लोगों को बैक कैमरा से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बस ये रील का इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा दूर से ही थोड़ा ऐसे कीजिए, बस ऐसे झटके में, हाँ पार कर देना, हाँ हाँ वैसे ही। वन टू पहले सीधा हो गया, ये 13 है लग रहा सच में, अच्छा आ रहा है, एकदम रियल लग रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। चुंदरे हटाए तो से क्या रहा है? हां कौन सा चादर? फेस पहले ले जाइए ना। हां तो ले जा रहे, कौन चादर उठा के बोल रहा था? नहीं जैसे कि ऊपर के दिया है वो दूसरा, वो दूसरा पार्ट है बाबू, कोई नहीं चाहते। 1 2 3 स्टार्ट। हाथ मारिए, हम होए अब इधर आप, आपको हवा में भी लेकर चले जाना है। तुम सही था, थोड़ा सा एक नंबर ना, आपको ऐसे करके ले देगा, नहीं आपस डायरेक्ट थोड़ा क्रॉस के लिए नहीं ना कर रही है, देखिए एक बार पहले नहीं ना कर रही है, देखिए तो उसमें फास्ट रहेगा, हो गया ये भी से करे मेरे
मेरा ठीक हो रहा है। चलिए इस बार आपका नहीं हुआ है, आप थोड़ा तिरछा भी मतलब क्रॉस भी में हाथ लेकर जाइए। हाँ चलिए सर, चलिए वन टू थ्री स्टार्ट। देखिए अभी तक ये देखने वाला फिर से लग रहा है, हाँ दिखाओ लाइक वन, अभी बोले वन टू थ्री स्टार्ट, वैसे नहीं सीधा हो जाना है। बकरी ये क्या भाई नहीं सही है, दुर्गा माँ नहीं है या ऐसे हाथ रख, दुर्गा माँ ऊपर है ऐसे हाथ रख के नीचे ऐसे सीधा हो गए, उसके बाद हाथ रख कर हाँ दांत खिटखिटाना या जीभ निकालना, मार के फुला चुके हैं तुमको अभी, हम जाता है काला काला हो गया है। हाँ जाओ उधर घूमिए, अभी यही वाला सीन है। चलो टू थ्री स्टार्ट। अरे भैया भाई तो कैसा इसमें एक और इसमें जीभ निकालने वाला, कितना थप्पड़ दिया है इसमें, तीन चार ट्रांजिशन हो जाएगा ठीक है, इसके मारने के बाद कोई एक वीडियो है इसको ऐसे कर दे क्या नहीं आप नहीं एक पता है एक वैसा वाला कीजिए ना, इसको ठेल दिए हैं तो जाकर ऐसे करके गिर गई है, वो वाला कर लीजिए दिखाइए भाई लाइव भी सही रहेगा। तुम तिरछा से गिरना अंदर ठीक है, अभी उधर फेस हैंड वन वो तो काली थ्री स्टार बस एक वो वाला बोल है ना कि इसको मतलब मारते मारते इसको मतलब ठेल दे रहा था, ये गिर जा रही है जाकर ऊपर से नहीं होगा तो गिरिएगा तो पक्का चोट लगे बैठ के ही थोड़ा सा। हरा रंग डाला आ मुझे तुम्हारा पांडा जैसा रहेंगे और फिर आप अपने हैंड पीछे ले जाइएगा और फिर दुपट्टा को खींच के इस पे कैमरा पे फेंक देना, वन टू थ्री। मेरे को तो ये कब जब एक्शन बोलिएगा तो हम कर देंगे, हम स्टार्ट बोल रहे हैं ना हाँ। उसके बाद दो सेकंड बाद ठीक है वन दुपट्टा ऐसा कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, पीछे दुपट्टा डबा नहीं है आपको जस्ट ऐसे दुपट्टा खींच के इधर करो, वन टू थ्री स्टार्ट। कैमरा कैमरा फिर जस्ट इस पे लाके डाल कैमरा इधर चला गया था लेकिन ठीक हुआ था भाई, चलिए लाइट दिखाई ठीक से कैमरा पे मतलब लाके इसे बंद कर देंगे हाँ अभी तो फिर ट्रांजिशन नेक्स्ट है, वन टू थ्री सच में लग रहा है कि हाँ मुंह नहीं दिख रहा है ना, मेरा नहीं ना दिखा नहीं आपका फेस हमको दिखाना ही नहीं, लाइट वाला उदाहरण कीजिए। चलिए बढ़िया है इसको गीला रखना चाहिए था तो पता है ये का नंबर है, आप क्या चाहिए इससे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बढ़िया तो दर्द होता है तुमको खींचे हाँ दिखाना ना एक ये हो गया करना चाहिए ना खींच रहा है ये सही हुआ
एक नंबर 1 मिलियन तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन 1 मिलियन की अब 10 मिलियन था। ठीक है गाइस, आप लोगों को बता दें कि अभी हम लोग जा रहे हैं, वैसे घर जाने वाले थे लेकिन अभी देखते हैं कितने बजे निकलेंगे लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि सोना भाभी बोलेंगे ना, सोनाली भाभी जो हैं वो हॉस्पिटल में चली गई हैं। रुकिए आप लोग से बात करते हैं गाड़ी में पहुँच के। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, जो कि जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। तो भाभी का तबीयत खराब हो चुका है और उनको फीवर हो गया है। अब पता नहीं किस वजह से फीवर हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं उनको देखने थोड़ा मिलने। और यहाँ पे बारिश इतना तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और पूरे रास्ते पे पानी भी लग गया। बाकी अभी ये भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कि मतलब मौसम कौन सा क्या चल रहा है, बारिश कब आया, ख़त्म कब होगा, ठंडा क्या है, कुछ का मौसम का तहस नहस हुआ है। सिवान में सुने हैं बाढ़ आ गया है। हाँ। मम्मी फ़ोन की थी तो बता रही थी छपरा में भी। छपरा पटना में भी आ चुका है, बहुत बोल रहा है वो। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही है और अभी हम लोग जा रहे हैं। पूरा तैयार वैर हो गए थे, जैसे एडमिट हुई अभी तो बोल रही है कि हमको हो गया है, अभी रिपोर्ट में कुछ डेंगू या टाइफाइड का दिखा रहा है। बस अभी मौसम भी वैसा चल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा बारिश आते ही हम लोग तो अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में और आप लोग को दिखाते हैं। फीवर नहीं हो रहा था, रुक रहा था, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अभी आपको कर्मन कैसा है? पता है वो। गाइस, तो यहाँ पे मम्मी आई हुई हैं और जब हम लोग आए थे तब थोड़ा अपसेट थी, लेकिन अब जो है पता ही नहीं चलता है इनका अपसेट किस चीज़ से रहती हैं, और रहती कुछ और के लिए, लेकिन रिजल्ट में निकल गया कुछ और। तो डॉक्टर अभी बोले हैं कि इनको हो गया है डेंगू, और बाढ़ का जो है ना वो जो मतलब हम लोग जिधर रहते हैं उधर एकदम लगता है खाली इन्हीं के घर पे लाइट रहता है, बाकी उधर पूरा अंधेरा रहता है। सब लोग बिजली बचाता है कि कनेक्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं हो रहा उधर। तो पूरा गांव में लाइट खत्म हो जाता था तब भी हमारे घर में पूरा रहता था, लेकिन हम लोग का इन्वर्टर बहुत बैकअप देता था, अभी ख़राब हो गया थोड़ा बाढ़ की वजह से। मैं तो सही किया आवाज़ कर दी, तो आज कंट्रोल करती ना से बढ़ जाता। नहीं, ख़त्म हो गया पानी, दिन के लिए जो हमारा प्लान था वो ये। हे गाइस, तो अभी क्या हुआ है कि अभी इनका तबीयत बहुत, नारायण नाम था ना, और अभी तबीयत जो है इनका अभी चलेगा अभी दवा, और जो भी
पानी उनी अभी चढ़ा हुआ है ना, कितना स्लाइन चढ़ा है। तो एकदम अचानक से इतना इमरजेंसी हो गया था कि दो दो डॉक्टर स्टाफ पूरा नर्स वगैरह सब इधर ही आ गया था। और ऊपर से पता नहीं ये जब तक बाहर में थी तब तक एकदम रिलैक्स थी, क्योंकि इसको लग रहा था इधर आते आते कि बुखार थोड़ा नॉर्मल हो गया। लेकिन जैसे ही चार पांच डॉक्टर देखे, स्टाफ देखे, वो इतना घबरा रही है कि अब डॉक्टर इसे पूछ रहे कि तुम घबरा रही हो, तुमको नहीं पता, लेकिन उसमें दिख रहा है। आई बोले नहीं हम नॉर्मल है, हम नॉर्मल है, लेकिन उसमें सब दिख रहा है कि वो घबरा रही है। डॉक्टर भी बोल रहा था कि सोच क्या रहे हैं आप, वो तो बताइए, बता ही नहीं रहे कि सोच क्या रही है। ये क्या लिखा, वो लिखा है क्या कुछ नहीं खाएगी कैसे रहे? क्या पेन चेक कर रहे होंगे? नहीं, उन्होंने वो कुछ ये क्या बोलते हैं एग्जामिन किया है ना, जो ब्लड लिया था। अच्छा, लिख देगा कि हाँ ब्लड टेस्ट हो गया। उनका क्या टेस्ट था, उस टेस्ट का नाम लिखा उन्होंने। अच्छा, ये वाला टेस्ट।